स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट गुजराती, आपको बुक लेनी है ग्राफल को गुजराती, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था पोयम नंबर 1 आकाश नो चांदो। क्या सीखा था बच्चों? आकाश नो चांदो, जिसमें हमने जो कुदरत की सारी चीज़ें है, पशु है, पंखी है वगैरह है, उसके पास से हम अपनी लाइफ में क्या क्या सीख सकते हैं और वो हमें क्या क्या सिखाते हैं, उसके बारे में एक अच्छी सी पोयम देखी थी। और आपने आई होप कि अपनी जो होमवर्क की नोटबुक है, यानी कि गुजराती की नोटबुक है, उसमें होमवर्क भी कर लिया होगा। आपको होमवर्क में क्या क्या मिला था? वन टाइम ये पोयम लिखनी थी अच्छी राइटिंग में, और ये जो शब्दार्थ ग्लोसरी है वो भी आपको वन टाइम लिखना था और लर्न भी करना था। आप लोगों ने वो सारा होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय। तो बच्चों आप भी अपनी गुजराती ग्राफल को जो बुक है वो निकाल के बैठ जाइए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है अ प्रश्नों ना उत्तर लखो। प्रश्नों ना उत्तर लखो यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर है वो भी लिखना है। और ये लिखते वक्त आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आप गुजराती जब भी लिखे तो आपको जो ऊपर की लाइन है उसको टच करके आंसर लिखना है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भी नहीं भूलना है। तो चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ वो रीड कीजिए। नंबर 1 आकाशनो चांदो शू शीखवे छे। तो बच्चों हमने जैसे पोएम में देखा, जो आकाश यानी कि स्काई में जो मून है वो हमें हमेशा हंसते रहने की सीख देता है कि हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हमें हमेशा हंसते रहना है। तो चलो आंसर लिखिए, आकाशनो चांदो हंसता सीखवे छे। देखो आपको कुछ भी और नहीं करना है, ये जो शू शब्द है वो निकाल के वहाँ पे सिर्फ हंसता ऐसा जो वर्ड है वो यहाँ पे लिख देना है, इसलिए आपका जो पूरा आंसर है वो रेडी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? आकाशनो चांदो शू सीखवे छे। तो आंसर आएगा आकाशनो चांदो हंसता सीखवे छे, और लास्ट में फुल स्टॉप करना ना भूलिएगा। नंबर 2 देखते हैं, मीठू मीठू बोलता कौन सीखवे छे। तो बच्चों जो मीठा मीठा बोलना सिखाता है वो तो है हमारा प्यारा सा हरा हरा तोता। तो चलो आंसर लिखिए, मीठू मीठू बोलता पोपट सीखवे छे, यानी कि आपको कौन जो शब्द है वो निकाल के वहाँ पे क्या लिख देना है? पोपट। तो पूरा आंसर आपका रेडी है, मीठू मीठू बोलता पोपट सीखवे छे। अब आते हैं नंबर 3 पे, मोर शू सीखवे छे। मोर है वो सुंदर कला करके नाचने लगता है, तो आंसर आएगा नाचना। चलो लिखिए, मोर नाचता सीखवे छे। मोर है वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें डांस करना सिखाता है। तो आंसर लिखिए, मोर नाचता सीखवे छे। नंबर 4 देखते हैं, तरता कौन सीखवे छे। बच्चों हमने पोएम में देखा बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, उसमें हमें तैरना कौन सिखा रहा था? जो मछली है वो यानी कि फिश है वो हमें तैरना सिखाती है, क्योंकि वो पानी में ही रहती है इसलिए वो तैरना जानती है और वो दूसरों को तैरना भी सिखाती है। तो चलो आंसर लिखिए, तरता कौन सीखवे छे। सागरनी मछली तरता सीखवे छे। क्या आंसर आएगा बच्चों? सागरनी मछली तरता सीखवे छे, और लास्ट में फुल स्टॉप। आपको ये जो ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है ना वो बच्चों भूलना नहीं है, उसी तरह से आपको लिखते जाना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सागरनी मछली तरता सीखवे छे। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 5, शाळाना बहन शू सीखवे छे। शाळाना बहन એટલે કે ટીચર, यानी कि आप जब स्कूल में आते हो तो स्कूल के जो टीचर है वो आपको क्या सिखाते हैं बच्चों? पढ़ना लिखना और किस तरह से आपको रहना है, मैनर्स है, वो भी आपको सिखाते हैं टीचर। तो चलो हमारी पोएम में क्या क्या लिखा था? लखता अने वाचता सीखवे, तो आंसर हमें वही लिखना है, शाळाना बहन वाचता लखता सीखवे छे। शाळाना बहन वाचता लखता सीखवे छे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है और उसमें 5 क्वेश्चन आंसर थे, तो वो आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है बच्चों। अब आते हैं नीचे की ओर, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कौन सीखवे ते लखो। अब नंबर 1 दिया है वाचता सिखवाड़े। वाचता सिखवाड़े यानी कि आपको रीड करना सिखाते हैं, कौन सिखाते हैं बच्चों? शाळाना बहन। तो अब फर्स्ट में आपको जो ब्लैंक जगह दी है वहाँ पे आपको आंसर लिखना है, शाळाना बहन। शाळाना बहन वाचता सिखवाड़े। नंबर 2,
हंसता सिखवाड़े यानी कि स्माइल करना सिखाता है। आपको स्माइल करना कौन सिखाता है बच्चों? स्काई में दूर हमें जो मून दिखाई दे पड़ता है वो हमें हंसना सिखाते हैं। तो आंसर में आपको लिखना है आकाशनो चांदो, आकाशनो चांदो हंसता सिखवाड़े। और यहाँ पे नंबर 3 में दिया है नाचता सिखवाड़े, नाचता यानी कि डांस करना। हमें डांस करना कौन सिखाता है बच्चों? मोर यानी कि पिकॉक है, वो हमें नाचना सिखाते हैं। तो चलो आंसर लिखिए वन नो मोर लो, क्या आंसर रहेगा? वन नो मोर लो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। आपको अब आना है पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 ई, नीचे ने काव्य पंक्तियों पूर्ण करो। काव्य पंक्ति यानी कि आपको यहाँ पे पोएम दी है, पोएम है वो आपको आधी ही दी है और आधी आपको खुद कंप्लीट करनी है क्योंकि आपने पोएम सीख ली है ना बच्चों। तो देखते हैं नंबर 1 पिंजरानो पोपट, पिंजरानो पोपट उसके बाद की जो लाइन है वो आपको कंप्लीट दी करनी है क्योंकि आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट दी है। पिंजरानो पोपट मने बोलता सीखवे, यहाँ पे आप क्या आंसर लिखेंगे बच्चों? पिंजरानो पोपट मने बोलता सीखवे। नंबर 2 सागनी माछली, उसके बाद आपको बहुत सी यहाँ पे ब्लैंक दी है तो यहाँ पे आंसर लिखिए मने तरता सीखवे, सागनी माछली मने तरता सीखवे, इतना आंसर आपको लिख देना है। और नंबर 3 में देखते हैं वन नो मोर लो, वन नो मोर लो मने नाचता सीखवे, क्या आंसर लिखेंगे? मने नाचता सीखवे। तो यहाँ पे ये 3 जो आंसर है वो भी हम लिख के कंप्लीट करते हैं, आप भी मेरे साथ कंप्लीट करते जाइए। आगे है ई, समानार्थी शब्दों लखो, समानार्थी यानी कि एक जैसा ही उसका मीनिंग होता हो उसे कहते हैं समान अर्थी। समानार्थी का अगर हम संधि उसको अलग करें तो क्या बनेगा? समान अर्थी, यानी कि जो एक जैसे ही सिमिलर वर्ड है उसे हम क्या कहेंगे? समानार्थी। तो नंबर 1 देखते हैं समुद्र, समुद्र को हम गुजराती में और कौन से नाम से पुकार सकते हैं? तो दरियो, यहाँ पे आपको दरियो आंसर लिखना है। नंबर 2 देखते हैं मयूर, मयूर को हम ऐसे ही एक समान अर्थ में देखें, ऐसे ही गुजराती मीनिंग में देखें तो वो आंसर आएगा मोर, मयूर को मोर भी कह सकते हैं, यानी कि मोर को मयूर भी कह सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं गगन, गगन यानि कि स्काई, तो स्काई को हम और क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं बच्चों गुजराती में? आकाश नप, क्या लिखना है आपको? आकाश नप। नंबर 4 देखते हैं जंगल, जंगल का समानार्थी शब्द आएगा वन या तो अरण्य, क्या कहेंगे इसको? अरण्य, जिसे हम अण फेन नो अण वो लिखते हैं ना, तो आपको पीछे स्टैंडिंग लाइन नहीं करनी क्योंकि अण और य दोनों जॉइंट शब्द यहाँ पे आपको दिए हैं, तो यह आपको आंसर लिखना है इस प्रकार से वन और अरण्य। हमने यहाँ पे समानार्थी देखा, अब हम विरुद्धार्थी देखते हैं, यानी कि यहाँ पे समान अर्थ होता हो यानी कि सेम जो मीनिंग है वो होता हो और यहाँ पे डिफरेंस मीनिंग होता हो उसे कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द। हंसवू, हंसवू यानी कि हंसना, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? रड़वू, रड़वू एटले यानी कि रोना, हंसना रोना, हंसवू रड़वू। नंबर 2 वाँचवू, वाँचवू एटले के रीड करू, तो उसका विरोधार्थी यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा? लखवू, वाँचवू लखवू। नंबर 3 मीठू, तो थसे तीखू। नंबर 4 खूब यानी कि बहुत ज़्यादा, तो उसका विरोधार्थी शब्द होगा ओछू या तो थोड़ू। तो यहाँ पे हमने समानार्थी और विरोधार्थी जो वर्ड लिखने थे वो भी लिख के कंप्लीट कर दिया। अब नीचे आते हैं पिक्चर की ओर, यहाँ पे आपको दिए हैं कुछ पिक्चर्स और यहाँ पे क्या दिया है? चित्रों ओळखो अने तेमना नाम लखो, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिए हैं 1 से लेके 8 तक, तो ये सारे के नाम आपको गुजराती में लिखना है, चित्र पहचानना है और उसके नाम लिखना है। फर्स्ट पिक्चर पे हम आते हैं, फर्स्ट पिक्चर देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है मून का पिक्चर, मून को गुजराती में क्या कहते हैं? चांदो, तो हमें यहाँ पे क्या आंसर लिखना है? चांदो, लिख लिया बच्चों। अब हम देखते हैं नंबर 2 पे, यहाँ पे आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं, स्टार को गुजराती में कहते हैं तारा, क्या कहेंगे? तारा, तो ये आंसर आपको यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। नंबर 3 में देखते हैं ये पिक्चर है सन का, सन को क्या कहते हैं? सूरज या तो सूर्य, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सूरज या तो सूर्य,
एग्ज़ाम में आप दोनों लिख सकते हैं, या तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं तो भी आपका आंसर राइट होगा, लेकिन अभी आपको दोनों आंसर लिखना है, सूरज और सूर्य। अब देखते हैं नंबर 4 की ओर। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो इसको गुजराती में कहते हैं वादळ। क्या कहेंगे हम इसको? वादळ। तो यहाँ पे आप आंसर में वादळ लिख दीजिए। अब हम नीचे देखते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे यहाँ पे आपको एक जो झाड़ है यानी कि ट्री है वो दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वृक्ष या तो झाड़। इसको क्या कहेंगे गुजराती में? वृक्ष या तो झाड़, वृ। ये जो नीचे साइन दी है उसका उच्चार र होता है, वृक्ष या तो झाड़। नंबर 6 देखते। देखिए यहाँ पे बारिश की सीजन अभी वैसे भी चल रही है और यहाँ पे आपको पिक्चर में भी बारिश ही दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, तो ये उसको क्या कहते हैं? बरसात। तो आंसर लिखिए बरसात। और जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के साथ क्या क्या होता है? बिजली भी होती है, होते हैं ना, आपको बिजली से डर लगता है बच्चों? लगता है ना। देखिए यहाँ पे आपको बिजली का ही पिक्चर दिया है तो उसको गुजराती में हम कहेंगे बिजली। क्या कहेंगे? बिजली। तो वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। और लास्ट यहाँ पे है हमारे स्कूल का नाम। आप सोच रहे होंगे कि हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे पिक्चर में, हाँ देखिए यहाँ पे है रेनबो का पिक्चर, है ना बच्चों, ये रेनबो का पिक्चर, तो उसको क्या कहेंगे गुजराती में? मेघधनुष। क्या कहेंगे? मेघधनुष। और आपको पता है रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, यहाँ पे आपको कलर्स भी दिए हैं। आपको ये नाम याद रखना है कि रेनबो को गुजराती में क्या कहेंगे? मेघधनुष। तो ये यहाँ पे हमारी पोएम 1 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। बच्चों आपको भी इस प्रकार से अपनी टेक्स्ट बुक में पूरी एक्सरसाइज लिख देनी है अच्छे राइटिंग में, और उसको लर्न भी करते रहना है।